आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुतू। हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत आज हम करेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर जो भी सफाई कर्मचारी हैं यानी कि डेली वेजर जो भी हैं इनसे बातचीत होगी। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो है म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा के अंदर जिस तरह से सफाई कर्मचारी यानी कि 1.5-2 महीने पहले आपने देखा होगा किस तरह से 12 से 13 दिन ये स्ट्राइक पे गए थे और अपनी डिमांड्स को लेकर यही बता रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए। आज खास बातचीत इनसे होगी कि किस वजह पे इन्होंने स्ट्राइक उठाई थी और किस तरह का भरोसा इनको दिया गया था। थोड़ा सा अपना नाम बताइए और ये भी बताइए जिस तरह से पहले हमने देखा था कुछ टाइम पहले आपने स्ट्राइक की थी और स्ट्राइक को हटा भी गया था, तो किस तरह का भरोसा आपको दिया गया था, क्या बताया गया था? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। तो सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं और पूरा जो गरीब आवाम का या गरीब मुलाजिम का उसका साथ देते हैं। हम शुक्रिया अदा गुलिस्तान न्यूज़ का करते हैं। और जो मसला जो है, हमने जो पिछली दफ़ा स्ट्राइक की थी और 13 दिन की थी वो स्ट्राइक, हम 2014 से स्ट्राइक ही करते आ रहे हैं, तो हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा है। हमें 13 दिन हड़ताल कर उन्होंने हमें ये विश्वासन दिया कि आप ये हड़ताल उठाओ, आपकी जो लिस्टें हैं हम वोट करेंगे। उन्होंने हड़तालों में ही हमारी लिस्टें वोट की, मगर 2014 से हमारी लिस्टें वोट हो रही हैं, हमारा मसला कोई हल नहीं हो रहा है। आप मुझे बताएं जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं कि लगातार हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि डोडा के अंदर गंदगी के अंबार उस टाइम देखने को मिले थे, लोग बीमार हो रहे थे, थोड़ा सा बताएं रुकावट किस जगह है, क्या बताया जाता है आपको? हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी फाइल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंच गई है, उन्होंने एक दस्तखत करने हैं तो आपका मसला जो है हल किया हो जाएगा। पिछली दफ़ा हम 2-4 दिन 10-15 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले तो उन्होंने ये विश्वासन दिया कि आपका काम जल्द से जल्द होगा, तो हमें ये यकीनदारी दी जाती है तो हमारा मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है। अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर कितने लोग आपके साथ हैं जो सफ़र हो रहे हैं आज की डेट में? इस वक्त हमारे जो डोडा के लोग हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम स्ट्राइक करें कि आवाम हमारी तंग आ जाए। हाँ, इस वक्त पूरी डोडा की आवाम हमारे साथ है कि पिछली दफ़ा भी जब 13 दिन की हड़ताल थी हमारे साथ थी, पूरी आवाम हमारे साथ थी, जितनी भी यहाँ जो चल रही है वो भी हमारे साथ थी, खास करके पैची के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इस वक्त हमारी जगह जगह मीटिंग हो रही है कि अगर हमारा मसला जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो हम स्ट्राइक पर आ जाएंगे, मजबूर होकर हम स्ट्राइक पर आ जाएंगे दोबारा। अगर हम डोडा की बात करें, जिस तरह से पूछ रहा हूँ, पहले मैंने आपको पूछा कि कितनी उम्र होगी उन लोगों की जो आपके साथ जुड़े हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं। इसमें हमारा एक सफाई कर्मचारी है जो जिसको 72 साल हो गए, अब एज 72 साल एज हुए, मगर इसी डिपार्टमेंट को उन्होंने वो 72 साल दिए हैं क्योंकि टाइम पर उसको परमिट नहीं किया गया। तो इस वक्त कुछ मुलाजम ऐसे हैं कि एक तरफ अगर उनको परमिट भी किया जाएगा दूसरी तरफ वो रिटायर हो जाएंगे। तो क्या सरकार से अपील आप करेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है? हम सरकार को ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे। हम गवर्नर साहब को भी अपील करना चाहते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी अपील करना चाहते हैं, हम डायरेक्टर साहब को भी अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल हो जाए, कर दो हमारा मसला हल कर दो, नहीं तो अगर हम मजबूरन स्ट्राइक पर आ जाएंगे। इस वक्त हमारे डोडा की आवाम, पूरी जम्मू प्रांत की आवाम हमारे साथ है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है। मैं डोडा आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा मसला जो है आप भी कुछ ऊपर फोन कीजिए कि हमारा सफाई कर्मचारियों का मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। पॉलिटिकल लीडर वगैरह आपके पास आए इतने टाइम में? हमने देखा कि बहुत सारी बार आपने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक की, सड़कों पे आप आए, कोई पॉलिटिकल लीडर वगैरह आपके पास आया? हमारे पास अगर आएगा भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, हम पॉलिटिक्स के करीब नहीं जाएंगे। हाँ, ये बात है, जो हमारा काम करेंगे हम उनके साथ हैं, जो भी हमारा काम करेंगे, क्योंकि ये गवर्नर साहब के हाथ में है कि अगर गवर्नर साहब ये करते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट 29 आदमी की डोडा से लिस्ट निकली है कि इनको 29 के 29 हम परमिट करेंगे, अगर ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो मजबूरन हमें स्ट्राइक पर और जाना पड़ेगा। घर के किस तरह के हालात आपके हैं? घर के हालात मत पूछो ही, अगर
दिन का खाना खाते हैं तो शाम का नहीं होता है, अगर शाम का खाना खाएंगे तो सुबह का नहीं होगा। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है उनको, क्योंकि हमारे पास फीस ही नहीं है उनके उनको पढ़ाने के लिए। हमें बच्चे घर से घर हम अगर जाएंगे भी तो अंधेरे में जाते हैं कि बच्चे कुछ ना बोलेंगे, डैडी अब हमारे लिए केला लाया, कोई संतरा लाया या हमारी स्कूल की फीस लाई। तो हमारे बहुत कठिन दिन चल रहे हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आपके घर के अंदर कितने लोग हैं और तनख्वाह आप कितनी लेते हैं इस बैंक में से? हमारे घर के अंदर हैं 6 लोग, तो 9,000 हमारी तनख्वाह है, तो उस तनख्वाह से कोई गुजारा नहीं चल रहा है। बहुत मुश्किल में ये लोग हैं और साफ तौर पे देखा आपने कुछ टाइम पहले भी है, लगभग मैंने जो पीएचई डेली वेजर है उनने भी इसी तरह की दिक्कत अपनी बताई थी कि सरकार से हमारी अपील है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, जल्द से जल्द आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, स्ट्राइक को हटवाया जाता है, उसके बाद वही तस्वीरें वही हालात। थोड़ा सा बताओ अब क्या आने वाले टाइम में कोई भरोसा वगैरह जो दिया गया है क्या लगता है आपको हल किया जाएगा? जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से बहुत अच्छा काम भी कर रही है, तो किस तरह की उम्मीदें आपने एलजी साहब से रखी हुई हैं? हम एलजी साहब से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, मानते हैं हम काम अच्छा कर रहे हैं, वो काम हम तब मानेंगे जब हम सफाई कर्मचारी का काम होगा, क्योंकि इस वक्त मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए कि सफाई कर्मचारी को हमें आसमान छुआऊंगा, तो हम तो धसे जा रहे हैं नीचे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कि मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये कौन सा जुल्म है हम पर। सफाई कर्मचारी जो हिंदुस्तान की पूरी गंदगी उठाता है, हाँ उनके ये मतलब इन्फेक्शन दूर करता है, उस सफाई कर्मचारी को और भूखे मरना पड़ता है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी परमिट करते करते कुछ मर गए, परमिट करते करते कुछ। सुबह कितने बजे काम पे अपने काम पे आते हो? सुबह हम 5 बजे 4 बजे 5 बजे हम अपने काम पर आते हैं, और सर्दियों के मौसम में भी ऐसे काम करते हैं, और देर रात जिस वक्त भी हमें बुलाया जाता है, कहीं कोई भी कोई पशु मर जाता है, वो कुत्ता हो या गाय हो या कुछ भी हो, हमें रात के 10 बजे भी बुलाया जाता है, तो हम आते हैं उसको हटाते हैं वहाँ से। तो वो गंदगी कोरोना के टाइम में हमने अपने घरों को आग लगाई, अपने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे बीमार होंगे, हमें बीवी बीमार होगी, हमारे घर वाले बीमार होंगे, हम खुद बीमार होंगे। उस वक्त भी हमने बाहर निकलकर, लोग अंदर सोए थे तो हम बाहर निकलकर उस बीमारी के साथ टकराव कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमें यही आश्वासन दिया गया है आप काम करो आपको पक्का किया जाएगा, तो विश्वास नहीं दिया, तो हमारे साथ हर बार धोखा ही हुआ, कहीं भी इंसाफ हमें नहीं मिला। आखिर में क्या बताना चाहोगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपका काम नहीं होगा यानी कि आपको अगर परमानेंट नहीं किया जाएगा, अगला कदम आपका क्या होगा? मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में हम स्ट्राइक पर आ जाएंगे, तो उस फिर वो सिटाई ऐसे नहीं उठेगी जब तक हमारे आर्डर हमारे हाथों में ना आए। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम क्या है और इस महकमे में कब से आप काम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारी म्यूनसिपल काउंसिल डोडा। सर अरसा 20-20 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, जहाँ तक उन्होंने SRO बनाया था कि SRO चौड़ बनाया था कि 7 साल के बाद हम परमिट कर देंगे, मगर आज तक वो बात ही इन्होंने खाली है। वो SRO चौहट बनाया, उसके बाद SRO 520 बनाया है, तो आज तक पिछले बार हमने हड़ताल की थी, 13-14 दिन हमारी हड़ताल रही है, जहाँ तक कि इन्होंने फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने बोल दिया कि हम ये आपकी सीनियरिटी हिसाब से लिस्ट निकाल देंगे, इन्होंने निकाली भी, तो उसके बावजूद भी 21 दिन का टाइम दिया था, 21 दिन के बाद भी इन्होंने कोई मसला हल हमारा नहीं किया है। हाँ इतना ही किया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया था, जिसने हमारी गारंटी ली थी कि हम 21 दिन के बाद आपको परमिट कर देंगे, मगर हमने हड़ताल उठाई नहीं है। ये गवर्नमेंट सोच ले, हमने हड़ताल नहीं, हमने हड़ताल पोस्टपोन करके रखी है, हमने हड़ताल हटाई नहीं है, हमने हड़ताल पोस्टपोन की है। आने वाले वक्त में अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, कुछ चंद दिनों में अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में ये जो पहले इससे पहले महीने में गंदगी के ढेर थे वही ढेर हमने देखा था कि एक टाइम पहले जो है कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो अपनी फैमिली भी आपने सड़कों में उतारी थी,
तो क्या सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, क्या उनको अपील करेंगे? एक तरफ से हम देख रहे हैं कि एलजी साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्या अपील होगी आपके माध्यम से? जनाब अपील क्या करेंगे, ये तो स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान बना रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान झाड़ू उठाने से, कोट पैंट लगाने से, झाड़ू उठाने से अफसर का स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान सफाई कर्मचारी कर लेता है, जो दिन रात उस कूड़े कचरे में घुल जाता है, बीमारियां फैल जाती है, मगर वो बीमारियां सारी के सारी वो ठीक कर लेता है। कोरोना के टाइम में आप बखूबी जानते हैं, कोरोना के टाइम में कोई भी बाहर नहीं था मगर सिर्फ सफाई कर्मचारी, जिनको खिताब दिया था कि हीरो, आज वो हीरो कहाँ है? वो तो जीरो, जीरो भी जीरो है, माइनस जीरो है। ये गवर्नमेंट की नाकामी है। एलजी साहब क्या करेंगे? एलजी साहब अगर कर सकते थे पहले भी कर सकते थे, मगर इन्हें यही है कि ये तानाशाह हुकूमत है और कुछ नहीं है, तानाशाह हुकूमत है। घर के हालात वगैरह किस तरह के हैं जनाब? क्या बताएं घर की हालत क्या है, इसलिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 9,500 में क्या बच्चे पढ़ेंगे। घर का झोला बहुत मुश्किल, हमारा खाना बनता है एक दिन का, अगर एक टाइम का खाना बनता है तो दूसरे टाइम का बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि चूल्हा जलता है, पकता बहुत कम है, बहुत पकता कम बहुत है, मगर बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, इसी वजह से घर के जिसके 8-9 परिवार में बंदे मेंबर होंगे, वो 9,000 में क्या करेगा? वही तो मैंने इनको एक दिन बताया था, अपने ऑफिसरों को बताया था कि आप 1,750 में घर चला के दिखाए, मैं देखूंगा कि हम हड़ताल उठा देंगे, मगर ये तो तानाश, मैंने पहले भी बता दिया, तानाशाह कुछ टाइम पहले हमने देखा था, गुलाम नबी आजाद साहब भी यहाँ पे आए थे, आपसे मिले थे, क्या उन्हें बताया था आपकी बात को लेके, क्या आगे वो मैंने बोलेंगे सरकार? मैंने उनको मेमोरम दिया था, मैंने उनको ऐसे भी रिक्वेस्ट की थी, मेमोरम भी दिया था, उन्हें बताया था कि वो तो आपको पता ही है कि इस वक्त भाजपा हुकूमत है, उनके उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। हाँ ये तो है कि इतना पहुँचा सकते हैं, उनने इतना मुझे भरोसा है कि उनने पहुँचाया होगा, दिया होगा, मगर जब ऊपर वाले एलजी साहब नहीं कर सकते तो कौन करेगा? कोविड में तो बताया था, वो कोविड में आपका जो मसला है जल्द से जल्द हल किया जाएगा, काम आप कीजिए। नहीं, कोविड में हमें ये भी बताया गया था कि आप कोविड में काम करो, आपको डबल सैलरी दी जाएगी और उसके साथ आपको परमिट कर देंगे, ना डबल सैलरी मिली तो ना परमिट किया गया है। तो हमारे माध्यम से क्या अपील लास्ट पे करेंगे आप? हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, नहीं तो जो ये डोडा शहर है, डोडा शहर फिर डोडा शहर नहीं रहेगा, ये गंदगी का शहर बन जाएगा। ये डोडा नहीं है, ये चिनाब वैली की बात है, ये खत्ता पूरे जम्मू पनाउन जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि इससे पहले भी हम जम्मू कश्मीर हड़ताल पे बैठे थे तो आज भी हम हड़ताल पे ही है। तो आपको रुकावट किस जगह है, क्या मेन कारण क्या है? मेन कारण है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये तानाशाह हुकूमत है, अंग्रेजों वाली हुकूमत है, जो 1975 में पहले थी ये अंग्रेजों वाली हुकूमत है, ये तो समझते नहीं किसी को मुलाजिम क्या है। अगर SRO चौहट के तहत पहले भी लोग परमानेंट हुए हैं, चाहे BHE की बात करें, आपके महकमे की बात करें, अब कहाँ रुकावट किस जगह लग रही है? SRO चौहट में इन्होंने म्यूनसिपल का कोई बंदा नहीं ये परमिट किया है, हाँ 2014 में इन्होंने 520 के तहत परमिट किए हैं, मगर उसके बावजूद हम इनको ये भी बताते हैं कि अगर SRO चौहट 520 के तहत ही हमारे हमें रिक्लेस किया जाए, मगर वो भी नहीं। अब इन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट निकाली, 21 दिन का टाइम दिया, 21 दिन के पहले पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये ट्रांसफ़र कर दिया है, ये तो अंधी बहरी हुकूमत है, इनको तो कोई समझ नहीं लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ गरीबों के पीछे लगे हुए हैं, गरीब यही मैं बोल रहा ना, मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, तो पीछे जो पैर ही काटने थे एक ही बार सारा डंडा ही खत्म हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी एज्ड लोग भी आपके साथ जो हैं सफाई कर्मचारी हैं। नहीं, इनने जो हमारा एक साथी है खुशी मोहम्मद, उससे उनने लिस्ट से आउट किया है डायरेक्टर ऑफिस से, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है इस वक्त आज की डेट में 72 साल, मगर 20 साल उसने डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो एवरेज कहाँ हुआ है? वो तो डिपार्टमेंट में, ये बात मैंने पिछली बार डायरेक्टर साहब से भी की थी कि अगर वो एवरेज हो गया है, वो तो डिपार्टमेंट में 20 साल उसने दिए हैं, अगर वो 50 साल का पहले लगाया क्यों हुई था, पैसों के पीछे क्यों लगाया पहले लगाया, फिर अब इसको क्यों निकाल दिया है? अब वो सयाना बेचारा कहाँ जाएगा, बुढ़ा इस वक्त कहाँ जाएगा? वो 20 साल उसने डिपार्टमेंट को सेवा की है, उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परमानेंट नहीं करो कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए, मगर कहाँ, उसको लिस्ट से आउट कर दिया है।
आप भी कुछ थोड़ा सा बताएंगे, आप थोड़ा सा बताएं क्या आखिर में। आखिर में एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारा जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, कि जहां की पूरी जम्मू प्रांत की आवाम को कोई तकलीफ ना हो, कि जो गंदगी जो है ये फैले ना, मजबूरन हमें स्ट्राइक पर आ जाएंगे। उसके जिम्मेवार एलजी साहब और चीफ कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब जो है उसकी जिम्मेवारी उन पर होगी। तो मैं पूरे जम्मू प्रांत के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर हमारा मसला हल हो गया तो हम एलजी साहब को भी दुआएं देंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दुआएं देंगे, डायरेक्टर साहब को भी दुआएं देंगे। अगर हमारा मसला नहीं हल हुआ तो आने वाले वक्त पे हम स्ट्राइक पर आएंगे तो उसका खामा खाएंगे डायरेक्टर साहब। ठीक है, पूरे पूरे जम्मू प्रांत के अंदर इस तरह की स्ट्राइक आप करते हैं? नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्ट्राइक होगी। फिर ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक होगी कि तब तक वो स्ट्राइक नहीं उठेगी फिर जब तक ना हमारा मसला हल होगा। यहाँ पे डोडा की अगर हम बात करें, डोडा म्यूनसिपलिटी के अंदर कितने लोग परमानेंट हैं सफाई कर्मचारी? यहाँ कितने परमानेंट हैं? 10 या 15 लोग हैं, बाकी जो केजल लेवर है, पूरा टोन डोडा जो चल रहा है वो केजल लेवरों से चल रहा है। और केजल लेवर स्ट्राइक पर आ जाएंगे तो 15 लोग, जहाँ हम सतारा वार्ड में 50 आदमी सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, वहाँ 15 लोगों से क्या काम होगा? बीमारियाँ फैलेंगी, लोग बीमार हो जाएंगे, उसके जिम्मेवार रहेंगे गवर्नमेंट। तो मैं एलजी साहब से पहले भी हमने देखा था यहाँ पे जब आपने स्ट्राइक की थी, उसके बाद हमने देखा था कि परमानेंट मुलाजमों को अलग अलग जगहों पे भेजा था, उनको बोला गया था कि साफ सफाई आप कीजिए, तो उसके बाद ये भी देखा गया कि आपकी तरफ से भी हल्ला देखने को मिला था? नहीं, जब हम स्ट्राइक पर आएंगे हम परमानेंट को काम नहीं करने देंगे, चाहे हमारी कुर्बानी लगे या हमारे बच्चे की कुर्बानी लगे, हमारी फैमिली की कुर्बानी लगे, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम किसी को काम नहीं करने देंगे। देखिए, इसमें हमारी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे ये आते हैं, तो अगर वहाँ पे साफ सफाई नहीं होगी तो ये गलत बात भी है। उसमें हमने कहा है, जिस वक्त भी हमने स्ट्राइक की है मंदिर मस्जिदों के एरिया में हमने साफ रखा है, क्योंकि हमने खुदा के साथ लड़ाई नहीं है, भगवान के साथ लड़ाई नहीं है, तो हमें है लड़ाई गवर्नमेंट के साथ कि हमारा जो हक है, जो जनवन हक है, वो हमें दीजिए तो हमारा मसला जो हल कीजिए, तो कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के साथ है, पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक है तो फिर ही गवर्नमेंट है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि हमारा मसला खुदाया जल्द से जल्द हल किया जाए। आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका जो हालात अभी बन चुका है वो सही नहीं है, तो आखिर में क्या सरकार को बताना चाहोगे? अभी तो बहुत टाइम आपने दिया है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, तो अगर नहीं किया अगला कदम किस तरह का होगा? हम तो ये चाहते नहीं हैं कि यहाँ हड़ताल हो जाए, मगर मजबूरन होके हमें हड़ताल करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा लास्ट हथियार है। बोलते हैं ना कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती है, जितनी देर तक हम हड़ताल नहीं करेंगे उतनी देर तक इनके कानों तक बात नहीं पहुँचाती है। बहरे हो गए हैं, अंधे तो पहले थे, बहरे भी हो गए हैं। मगर यही मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से, मैं गुजारिश करता हूँ एक बार फिर कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करें, नहीं तो आने वाले वक्त में ये जो गर्मी आने वाली है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम पब्लिक से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दे दें। देखिए, मैंने देखा था एक बार जब आपने स्ट्राइक की थी, गंदगी शहर में फैलाई थी, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा किया था, उससे तो पब्लिक हमारी परेशान होती है। लड़ाई तो आपको सरकार के साथ है, मगर उससे पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक को वो दिक्कत झेलनी पड़ती है। उसमें क्या करते हैं, हमारे जो ऑफिसरान लोग यहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डोडा की, ये उस वक्त हमारे जो परमानेंट मुलाजिम है उनको टॉर्चर करते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे 2014 में हमने उनका साथ दिया था, अगर वो हमारा साथ देते हैं तो ये उनको टॉर्चर करके उनको बोलते हैं कि हम सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो आप काम कर दो। वो बेचारे डरपोक है, डरते हैं,
कि हमारी नौकरी ना जाए, हमें ट्रांसफर ना हो किया जाए, इसलिए वो डर के मारे काम के लिए निकलते हैं। मगर वो ज़बरदस्ती वाली बात होगी ना, ज़बरदस्ती निकालते हैं, तो इसलिए हमें हल्ला गुल्ला करना पड़ता है। हम ही नहीं चाहते हैं कि हमारी जो डोडे की आवाम है ये टेंशन में पड़ जाए, मगर मजबूर हैं हम। क्यों मजबूर क्यों है? अगर आप हमारे घर की हालत देखोगे ना, तो आप हमारे, आप क्या बोल रहे हो, पूरा डोडा का डोडा शहर हमारे साथ दे देगा, हमारे रोड पे हमारे साथ आएगा, क्योंकि इतनी कंडीशन हमारी ख़राब है। आप ही जहाँ देखो कि 9,000 में क्या बनता है। फैमिली में कितने लोग हो आप? फैमिली में हम 6 बंदे हैं। तो क्या हो जाता है इतने जनाब? अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तनख्वाह पकड़ते हैं तो फिर हम छुप छुप के घर निकल देते हैं, क्योंकि वो पहले हमने किया होता है खर्च, तो 9,000 से 18,000 हमारा, लगभग 18-20,000 हमारा महीने का खर्चा है। दवाई भी उसमें, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ, कपड़े शपड़े सब कुछ हम उसमें 9,000 में करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, बहुत तो मुश्किल। अब तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी टैक्स को लेके बात हो रही है, तो क्या आप पे भी वो सवार होगा? वो तो है, वो बोल रहे हैं कि 1,000 स्क्वायर फुट जिसका भी होगा तो उसको तो टैक्स देना ही देना है। अब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाज हुए कातिल में है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि परेशानी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में है, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमारे घर जो है चूल्हा ज़रूर जलता है, मगर उस चूल्हे पे कुछ भी नहीं पकता है, और काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। आपको बताना चाहूँगा, जब कोविड था, पीक पे कोविड था, इन लोगों को बताया गया था कि इस दिक्कत को आप, जब तक ये दिक्कत हमारे बीच है, इस दिक्कत को जो ही ये ख़त्म होती है तो आपको हल किया, जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको हल किया जाएगा, मगर कुछ भी नहीं। तस्वीरें आप देख लीजिए चारों तरफ की, किन लोगों की, इन लोगों की किस तरह की हालत है, और जिस तरह से बताया कि 9-10 हज़ार जो भी तनख्वाह हमारी है वो हमारे घर को नहीं चला पा रही है। अपील वही है जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे आना, वही अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हमें ये दिक्कत जो है हल किया जाए। जिस तरह से पीएचई डेली विजर्स भी बता रहे हैं कि हमारी जो भी दिक्कत है उसको हल किया जाए, नहीं तो हम फिर से वही हालात यहाँ पे पैदा करेंगे जिस तरह से आपने पहले भी देखा था, गंदगी के अंबार हर जगह, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिले थे। देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों के लिए किस तरह का फैसला लेती है, खास करके अगर हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें, सफाई कर्मचारी की बात करें, जो भी महकमे के अलग अलग महकमों में जो लोग भी डेली वेजर हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कब तक इनकी दिक्कत को हल करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।